वेलकम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास में है ये 200 रुपए का हेलमेट, 400 रुपए का हेलमेट और ये है 800 रुपए का ISI मार्क वाला हेलमेट। दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पुलिस वालों से बचने के लिए हम लोग हेलमेट को लगा लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन गाइस ये जो हेलमेट है ना, जब भी कोई दुर्घटना होती है तभी हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे कि ये जो लोकल हेलमेट है इनमें कितना डिफरेंस है और ये जो ओरिजिनल ISI मार्क वाला हेलमेट है इनमें कितना डिफरेंस है। तो चलिए गाइस करते हैं हमारा आज का वीडियो स्टार्ट। तो यार दोस्तों हम लोग हेलमेट को टेस्ट करने के लिए हमारे इस सूतली बम का यूज़ करने वाले हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे कि सूतली बम को ऊपर लगाए, लेकिन क्या होगा कि गाइस जो इसका प्रेशर है ना वो चारों तरफ से निकल जाएगा और जो हेलमेट है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग हेलमेट के अंदर ही सूतली बम को लगाने वाले हैं और उसके बाद में इसको जला देंगे और देखेंगे कि तीनों हेलमेट की क्या कंडीशन होती है, क्या हालत होती है। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम लोग 200 रुपये वाले हेलमेट को टेस्ट करने वाले हैं और आप लोग देख सकते हो कि हमने जो बम है ना उसको अंदर डाल दिया है हेलमेट के, ताकि इसका प्रेशर जो है वो चारों तरफ फैले नहीं। तो मैं जल्दी से इसको आग लगाऊंगा और आग लगाने के बाद में यहाँ पर इसको रख दूंगा। तो यार गाइस आप लोग देख सकते हो कि भाई जो हमारा 200 रुपये वाला हेलमेट है ना भाई, ये चकनाचूर हो चुका है। इसकी आप लोग कंडीशन देख सकते हो कि 200 रुपये वाला जो लोकल हेलमेट है, सिर्फ एक ही हमारे सूतली हमने इसको चकनाचूर कर दिया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। अब हम लोग टेस्ट करेंगे हमारे 400 रुपये वाला हेलमेट। तो अब हम लोग 400 रुपये वाले हेलमेट को टेस्ट करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर भी हमने सूतली बम सेम ही लगाया है और अभी मैं इसको तो यार दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई जो हमारा जो 400 रुपये वाला जो लोकल हेलमेट है उसकी क्या कंडीशन हुई है। एक टुकड़ा ये पड़ा है और बाकी के टुकड़े आप लोग देख सकते हो कि नीचे पड़ा है और एक टुकड़ा वो वहाँ पर गया है। गाइस अब हम लोग हमारे 800 रुपये वाले ISI मार्क वाले हेलमेट का टेस्ट करेंगे। हमारे पास में अब है 800 रुपये वाला ISI मार्क वाला हेलमेट। तो गाइस अब हम लोग हमारा जो सूतली बम है जलाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो 800 रुपये वाला ISI मार्क वाला हेलमेट है ये बच पाता है या नहीं बच पाता है, या फिर इसकी क्या कंडीशन होती है।
ऑलराइट दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ISI मार्क वाला जो हेलमेट है, जो ये 800 रुपए वाला हेलमेट है, ये कितना मजबूत है। हमारे जो पहले वाले जो दो हेलमेट थे 200 रुपए वाले और 400 रुपए वाले हेलमेट, भाई वो पूरी तरह से टूट गए, उनके परखच्चे उड़ गए। और गाइस इसको आप लोग देख सकते हो 800 रुपए वाले ISI मार्क वाले हेलमेट को, भाई इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस जो इसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था ना, बस वो जल गया। बाकी आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और गाइस ये थोड़ा सा आगे से टूटा है, और मेरे को इसके पीछे का रीज़न ये लगता है कि जब इसके अंदर ब्लास्ट हुआ था ना, जब सूतली बम फटा था, तब ये उछल करके गिरा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये टूट गया हो। बाकी ये पूरी तरह से सही है। तो यार दोस्तों, आप लोगों ने तीनों हेलमेट की कंडीशंस देख ली। गाइस हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोकल हेलमेट खरीद लेते हैं, लेकिन जब कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तब हम लोग जितने पैसे बचाते हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा पैसे हमारे लग जाते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि थोड़े से ज़्यादा पैसे लग जाएं, लेकिन आप लोग ISI मार्क वाला हेलमेट ही खरीदिए। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद। Let's leave for an eternity.